हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं हम, जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि हमने पहले ही कुछ क्लासेस में पढ़ा हुआ है इसको, आज एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट्स हैं। सबसे पहला तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, जो सिंपल सा डायग्राम जो यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपल से डायग्राम में हमने क्या शो आउट किया है, एक इंसिडेंट रे है जो एक सरफेस पे टकराने के बाद वापिस जा रही है, जिसको हमने नाम दिया है रिफ्लेक्टेड रे। और दोनों के बीच में हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ओके। और नॉर्मल को हमने जो डिवाइड किया है उससे बन रहा है एक इंसिडेंट रे और सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये सिंपल सा डायग्राम है। अब इसके आगे देखते हैं, ये जो बीच में आपने देखा नॉर्मल के वहां पे क्यू आई लिखा हुआ, ये क्या है? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट होता क्या है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि अगर कोई भी एंगल यहाँ पे बनता है किसके साथ, इंसिडेंट रे के साथ और नॉर्मल के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और वहीं सेकंड दूसरा जो एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे के साथ विद हेल्प ऑफ नॉर्मल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला देखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। सेम एज इट इज, उसी की तरह जो सेकेंड डेफिनेशन है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ये तो बात हो गई एंगल की। अब यहां पे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो पॉइंट है। तो दोनों पॉइंट से हम क्या सीख सकते हैं, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसके दो पॉइंट है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जी हाँ, हमेशा ध्यान रखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो उसका जो डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन शॉर्ट व्हाट वी कैन राइट, थीटा आई इक्वल टू थीटा आर। दिस इज द शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के यहाँ पे दो पॉइंट है। सबसे पहला थीटा आई इक्वल टू थीटा आर, इसको हमने नाम दिया। सेकंड वन, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन सेम प्लेन। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है, तो जैसा कि आपने डायग्राम में देखा हमारे पास तीन चीजें थी, कौन सी, इंसिडेंट थी, रिफ्लेक्टेड थी, नॉर्मल थी। तो अगर ये तीनों चीजों को हम आपस में देखें तो तीनों की तीन चीजें एक ही पॉइंट से पास आउट हो रही हैं, या तो एक ही पॉइंट पे सारी की सारी इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ऑल द थ्री रेस विल लाई ऑन अ सेम प्लेन। तो ये था सेकंड पॉइंट किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। अब अगर इसी पॉइंट को और हम देखें तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वली एप्लीकेबल टू प्लेन मिरर एज वेल एज स्पेरिकल मिरर। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पे एप्लीकेबल है, प्लेन मिरर के लिए और स्पेरिकल। तो देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जैसे कि डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है जो कि किसी भी एक पॉइंट से पास आउट हो रही है सरफेस पे, जिसको हमने नाम दिया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही एक अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
एग्जाम्स के लिए जो कि हमेशा 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाता है। तो और भी इसी टाइप के वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।